ताजनगरी आगरा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। मरीजों और प्रसूताओं को लाने ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस दर्जनों की संख्या में लेडी लॉयन हॉस्पिटल में खड़ी धूल फांक रही है। हैरानी की बात यह है कि अमूमन एम्बुलेंस के अभाव में सड़क पर प्रसव होने की घटनाओं के बाद भी जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुल रही हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। लगातार विपक्षी पार्टियां भी इस मसले पर आवाज उठाती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में हैसियत संभाले हुए हैं, पर ताजनगरी आगरा में जो प्रसूताओं और इमरजेंसीज के वक्त एम्बुलेंस मरीजों को लेने ले जाने का काम करती हैं, वो कबाड़ की स्थिति में खड़ी हैं। यहाँ लगभग एक दर्जन से अधिक एम्बुलेंस हैं। मैं लेडी लॉयन हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की गाथा गाती ये एम्बुलेंस निश्चित तौर पर सरकार के उन दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रही है जो उत्तर प्रदेश में ऑल इज़ वेल की बात करते हैं। जब बात कर दी, उच्चाधिकारियों से बात की, तो पता लगा कि पूरे ज़िले में 44, 108 और 39 102 एम्बुलेंस काम कर रही हैं, जो कि एक ज़िले में सफिशियंट नहीं है। इसके अलावा सरकार की बदहाली का और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आलम यह है कि ये जो एम्बुलेंस है, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं एक बार, ये पूरे के पूरे कबाड़ नज़र आ रहा है, पूरा कबाड़ है। करीब एक दर्जन से अधिक एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। लगातार हम उत्तर प्रदेश में मसलन आगरा में भी ये सुनते रहते हैं कि एम्बुलेंस नहीं आने से एम्बुलेंस में देरी हो जाने की वजह से मरीज़ की मौत हो गई, पर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, आगरा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एम्बुलेंस खराब स्थिति में खड़ी है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अव्यवस्था अट्टहास मारकर हंस रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर प्रसारित होने के बाद इस पूरे मामले पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो क्या कार्रवाई करता है। अपने साथी कैमरा पर्सन सुनील के साथ में अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज़ आगरा।